आज की जो बातचीत है, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल देखा होगा, ये संविदा शिक्षकों से संबंधित है। तरह तरह के संविदा शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र नाम से हैं, अनुदेशक हैं, गेस्ट टीचर हैं, तदर्थ शिक्षक हैं, संविदा शिक्षक, विहान शिक्षक, नियोजित शिक्षक, तरह तरह के नाम से ये योजनाएं चल रही हैं और सालों से चल रही हैं, एक प्रथा के रूप में चल रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि ये प्रथाएं अब बंद की जाएंगी और इसी पर लगातार काम हो रहा है और ये योजनाएं धीरे धीरे बंद होंगी और इनको बंद करना इतना आसान नहीं है, तो तरह तरह से बंद किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कस्तूरबा में किस तरीके से जो है चीज़ें हैंडल की जा रही हैं, जो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, तो फुल टाइम मेल फीमेल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह करके पहले लोगों को बाहर किया जा रहा है पार्ट पार्ट में। और चूंकि ये यूनियन न बना पाए, वो काम करना है चाहे जैसे भी करना है, इसलिए गवर्नमेंट हर तरह से जो भी कर सकती है कमियां खोज सकती है, खोज खोज के, जैसे कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, मान लेते हैं कि SST में, और वहाँ कोई टीचर ऐसा है जिसका कॉम्बिनेशन नहीं था और वो नियुक्ति पा चुका है वहाँ पर संविदा पर, तो ऐसे लोगों को खोज खोज करके बाहर किया जा रहा है। क्योंकि वो लीगली तो गलत ही है, इलीगल है, तो उनको बाहर करना होगा। और भी बहुत तरह के रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं। MP में बात कर लें तो MP में हर साल रिन्यूअल किया जा रहा है और रिन्यूअल करते वक्त तरह तरह के नियम लगाए जा रहे हैं और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें पुराने लोग बाहर हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, कुछ पुराने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। और बिहार में बात कर लें तो बिहार में नियोजित शिक्षकों को कहा गया है 3 मौके दिए जाएंगे और वहाँ पर भर्ती जो निकल रही है उनमें मौके दिए जा रहे हैं। जो लोग एग्ज़ाम पास कर ले रहे हैं उनको परमानेंट किया जा रहा है और 3 मौके जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनका अब क्या करना है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे वर्तमान में तो सभी राज्यों में कुछ न कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है, सेम प्रक्रिया नहीं है, राज्य अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि सभी राज्यों कंडीशन अलग अलग है। तो कुल मिला के कहानी यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी राज्य संविदा योजनाएं जो लंबे समय से चल रही हैं वो बंद कर रही हैं। जब बात आती है संविदा योजना बंद हो रही है तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, संविदा फिर संविदा पर रखे क्यों जा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन यहाँ इसलिए है क्योंकि आप संविदा और संविदा योजना को एक बराबर देख रहे हैं, संविदा अलग है, संविदा योजना अलग है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि कोई विद्यालय है, उसमें कोई टीचर रिटायर हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, डेथ हो गई या किसी भी कारण से वो पद खाली हो गया, अब वहाँ पर शिक्षण कार्य बंद तो नहीं होगा, तो उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए वहाँ पर जब तक नया टीचर नहीं आ जाता है तो टीचर की ज़रूरत है, तो संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, तदर्थ जैसे भी जिस भी रूप में रख करके वो पढ़ाई तब तक कराई जाएगी जब तक परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती है। और जो संविदा योजनाएं हैं उसमें भी ऐसे ही रखे गए थे, लेकिन वो योजनाएं राज्य सरकारों ने सालों तक चलाया, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इसलिए लंबे समय से चल रहा है, जबकि नियम कहता है कि 3 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 11 महीने का। तो अब जो नया नियम बन रहा है, हर राज्य में शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है और ये आयोग हर वर्ष 2 बार वैकेंसी निकालेगा और 3 से 6 महीने के अंदर जो भी पद खाली होंगे उनको भरेगा। तो जब ये बातें होती हैं कि ऐसा होगा तो कुछ लोग उम्मीद कर लेते हैं कि बस ये चीज़ें आज कही जा रही हैं तो कल हो जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे की तरह बात किया कीजिए। कोई भी रूल बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में 5 साल, 10 साल, 20 साल तक ले जाते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद कहा गया कि आरक्षण जो है 20 वर्ष के लिए, शायद ऐसा कुछ था, आप देख लीजिएगा। तो आरक्षण 20 वर्ष की बात की गई और आज देख लीजिए आज़ादी को कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी आरक्षण पर अभी तक कोई विशेष संशोधन नहीं हुआ है, जबकि वर्तमान में संशोधन की आवश्यकता है। खैर, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे तो जो इसके पक्षधर हैं उनको भी बुरा लगेगा, जो इसके विपक्ष में हैं उनको भी बुरा लगेगा, जबकि आरक्षण होना ही चाहिए, ज़रूरी है जो इस तरह के लोग हैं। खैर, मुद्दा ये नहीं है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो कोई भी नियम जब बनता है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लगता है और जब ये लंबा समय गुजरता है तब तक नई परिस्थितियाँ बन जाती हैं और फिर
नई चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। तो ये तो चलता रहेगा, चलता रहा है। कहा जा रहा है कि भारत विकसित देश बनेगा, तो आप देख लीजिए विकसित देश एक दिन में, एक साल में तो नहीं हो जाएगा ना, समय लगेगा। प्रयास किया जा रहा है 2047 तक के लिए, तो एक लंबा समय रखा गया है। तो ऐसे ही है, ये संविदा योजनाएं क्रमशः धीरे धीरे बंद की जा रही हैं किसी न किसी रूप में। ये एक दिन में बंद होते नहीं दिखेंगी, धीरे धीरे होगा। इसको एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे आप किसी एक मेंढक को गर्म पानी में डालिए, वो तुरंत वहाँ से कूदकर बाहर निकल जाएगा। जैसे आप बर्तन में डालेंगे जिसमें गर्म पानी है, वो कूदकर बाहर निकल जाएगा। फिर उसी मेंढक को किसी एक खाली बर्तन में पानी में, ठंडे पानी में रखिए, और फिर उस पानी को धीरे धीरे गर्म कीजिए। अब वो पानी धीरे धीरे गर्म होगा और वो मेंढक अपना सामंजस्य बनाता जाएगा, एडजस्ट करता जाएगा, और अंत में ये होगा कि उसमें से निकलेगा नहीं, और फिर लास्ट में उसकी कहानी द एंड हो जाएगी। तो दोनों में फ़र्क क्या है? पहले में मेंढक को जैसे ही डाला गया तो अचानक से टेम्परेचर उसे ज़्यादा मिला तो वो तुरंत कूद गया, क्योंकि उसे तुरंत एहसास हुआ। दूसरे में क्या हुआ, कोई चीज़ धीरे धीरे की जा रही है तो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है कि नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्ट करते करते एक बार ऐसी, एक समय ऐसी कंडीशन आती है कि अब वो सारी एनर्जी खर्च कर चुका होता, और जब तक उसे एहसास होता है कि ये काफ़ी गर्म हो रहा है, तब तक अब उसके सामने कोई विकल्प बचता नहीं है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए कि गवर्नमेंट एक दिन आपको जो है इस कंडीशन में ला दे कि फिर आप न घर के रहिए न घाट के। तो उससे पहले ही प्रयास करके जो मौके दिए जा रहे हैं उन मौक़ों में लाभ ले लीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बंद किया जा रहा है, पर्याप्त मौके दिए जा रहे हैं। आप बिहार में देख लीजिए, 3 मौके कहे गए हैं और लगातार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा वो 3 मौके तो हैं, उसके अलावा अन्य भर्तियाँ जो निकल रही हैं वहाँ पर वो अलग मौके हैं। शिक्षा मित्रों का ही देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको जो है 2 मौके दिए जाएं, और हमें जहां तक याद आ रहा है 2017 से 2024 आ चुका है और अब तक 17-18 मौके मिल चुके हैं टेट सीटेट पास करने के लिए। तो मौके पर्याप्त दिए जाते हैं, कहने के लिए होता है कि 2 मौके, लेकिन 17-18 मौके मिल गए टेट सीटेट पास करने के लिए, तो अच्छा खासा मौका मिला। लेकिन आप लोग अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आपकी गलती है। ऐसे ही चाहे वो अनुदेशक हों या तदर शिक्षक हों, संविदा शिक्षक हों, गेस्ट टीचर, या कहीं भी किसी भी राज्य में हैं। अच्छा, आज की जो बातचीत है ये भाई साहब पहले जो है अन्य राज्यों की बात लेकर आए, जैसा कि मेरे पास कॉल आता है तो चाहे शिक्षा मित्र हों चाहे अन्य, तो वो अपने राज्य की कहानी तो जानते ही रहते हैं लेकिन दूसरे राज्य की कहानी नहीं जानते हैं, बस सुनी सुनाई बातें जानते हैं। तो फटाक से कहते हैं फला राज्य में ऐसा तो हुआ है, जब पूछो किस राज्य में तो राज्य भी ठीक से नहीं बता पाते, और अगर बता देते हैं पूरा मैटर पूछो तो नहीं बता पाते हैं। खैर, ये भाई साहब लेकर के आए तो हरियाणा का, कि हरियाणा में ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर बाद में जब हमने इनसे चर्चा किया डीपली तो ये खुद ही जो है उसकी पोल खोल दिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो आप लोग जो है चीज़ों को एक्सेप्ट किया कीजिए, सच्चाई को एक्सेप्ट किया कीजिए, और अन्य राज्य की बात आप करते हैं तो उस राज्य में क्या हुआ, वहाँ कहानी क्या थी, किस तरह की परिस्थितियाँ थी और एग्जैक्टली हुआ क्या, सब डिटेल लेकर के आया कीजिए, हवा में बातें मत किया कीजिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बात, ही बड़े ध्यान से सुनिएगा, और आगे आपको कैसे सीट हासिल करना है, क्या करना है, कैसे आप जो है एक परमानेंट पद पाएंगे, क्या क्या नियम है, ये नियम क्या कहते हैं, नए रूल रेगुलेशन क्या है, कोर्ट ऑर्डर क्या है, हर चीज़ को विस्तार से समझिए कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पुराने कोर्ट ऑर्डर क्या है, नए कोर्ट ऑर्डर क्या है, सब पर चर्चा विस्तार से हुई है, डिटेल में हुई है। इसलिए आप पूरी बात सुनिएगा, आप चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे तदर्थ शिक्षक हों, चाहे जो पुराने एक योजनाएं बंद हो गई हैं पुरानी, प्रेरक वगैरह, या बहुत सारे वित्तविहीन वगैरह शिक्षक भी कमेंट करते रहते हैं, तो आप सभी के लिए ये एक जो है काफ़ी अच्छा ये वीडियो होने वाला है। आप जो भी बातचीत सुनेंगे, उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो पूरी बातचीत अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है, ठीक है। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। एक इम्पॉर्टेंट बात और, आपके सामने एक नंबर ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपकी भी कोई समस्या है, आपको भी कोई क्वेरी है आपकी, और आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, या किसी विषय से संबंधित जो भी चर्चा करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप हमारा समय ले सकते हैं हमसे, और उस समय पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो सामने नंबर है, ये आप नंबर नोट कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर सामने दिख रहा है इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है, आप इस पर मैसेज कीजिए, और मैसेज में अपना नाम और अपने बारे में लिख करके ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा, तो आपको ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक से आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और जो भी जानकारी शेयर की जाती है
वो जानकारी आप तक पहुंचने लगेगी। और कोशिश कीजिएगा कि ये पूरी जो बातचीत है, पूरी जो वीडियो है, इसको अगर आपको देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो, और कोशिश कीजिएगा कि शेयर भी कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। बहुत कन्फ्यूजन है, तरह तरह के अपवाद हैं, फैले हुए हैं, विवाद हैं, लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, नेता वगैरह पैसे लूट रहे हैं लोगों को झूठ बोल बोल करके। तो कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। ये अभी आपके ग्रुप में लिखा था ना कि 2 से 8 बजे कॉल करना। हाँ, तो मैंने अभी कॉल किया। बताइए। वो ऑर्डर चल रहा था जिसमें जो है कि संविदा या कॉन्ट्रैक्ट टीचर को आप निकालने के लिए कहा गया था। शोर है और आपकी वॉइस क्लियर नहीं, थोड़ा साइड में कहीं हो जाइए। अच्छा, बंद मिनट। अब आवाज आ रही? हाँ जी बताइए। मैं ये कह रहा था सर, जो ऑर्डर आया था ना कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंट होते ही और जितने भी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाले हैं उनको या तो निकाल दे सरकार या जो है परमानेंट कर दे, ये तो वो ऑर्डर चाहिए। और दूसरा ऑर्डर ये था कि आगे बोलिए, कब तक यानी डेट थी शायद आपने ग्रुप में डाला था, 31 दिसंबर 2024 तक की डेट है, उससे पहले पहले जो है राज्य सरकार है या तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को निकाल दे या फिर परमानेंट कर दे। एक भी ऑर्डर चाहिए, दो ऑर्डर चाहिए। नहीं नहीं, आप जो है या तो ठीक से पढ़े नहीं या जो है समझ नहीं पाए, फिर से आपको बता दें। वैसे आप मेनली पहले अपना परिचय दे दीजिए और आप किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए क्लियर, कि आप मतलब शिक्षा में तो अनुदेशक क्या। हाँ सर, देखिए वैसे तो मैं यूपी फैजाबाद का हूँ और आपके फैजाबाद वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है। अच्छा, वहाँ मैं तैयारी भी करता रहता हूँ जॉब लग जाए। अभी हाल फिलहाल में जो वर्किंग हूँ वो दिल्ली में गेस्ट टीचर के तौर पे हूँ। दिल्ली में है? हाँ, तो गेस्ट टीचर का जो एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है 24 तारीख को, तो उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, तो कि आपने डाला था एक बार तो मैं इसलिए आपसे मांगा था कि कुछ लोगों को दिखा सकूँ। अच्छा, तो आपने बीएड किया हुआ है ना? हाँ सर, बीएड किया हुआ, सीटेट भी किया। तो पहले तो ऐसा बहुत सारा ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन किसी ऑर्डर में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो संविदा शिक्षक हैं उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि कोर्ट का काम नहीं सर। हाँ, कोर्ट का नहीं था, लेकिन आपने एक बार डाला था कि केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है 2030 एक्ट के अनुसार, उसमें ये बात कही गई है कि सरकार राज्य सरकार है या तो 100% बजट ले ले या फिर एक इश्यू के तहत उन्हें निकाल दें या फिर उन्हें परमानेंट कर दें। इस समय कोई था, आपने डाला था ग्रुप में। पूरी बात आप सुन लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में है क्या और आपने क्या पढ़ा है, कहाँ पर डिफरेंसेज हैं। तो पहले तो कोर्ट जो है जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देख करके, कोई मैटर है तो उस मैटर में अपना जजमेंट देती है और वो भी नियम को देख करके देती है, जो नियम होगा बस उसी दायरे में देगी, अपने से कोई भी नियम बनाती नहीं है। और अगर नियम बनाने की आवश्यकता भी है तो कोर्ट कहती है कि नियम बनाइए, वो खुद जो है नियम बनाती नहीं है, क्योंकि उनका काम नियम बनाना नहीं है, वो सिर्फ जो है कोई विवाद है तो उस विवाद को सुलझाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो संविदा शिक्षकों की बात की जाए तो बहुत सारे हम पोस्ट लिखते रहते हैं, कभी प्रेरक से संबंधित, शिक्षा में से संबंधित, अनुदेशक, अतिथि शिक्षक और नियोजित शिक्षक, और जो एडेड स्कूल हैं वहाँ पर जो मैनेजमेंट के तहत जो लोग नियुक्त हुए हैं। तो आप जो भी पढ़े हैं आप थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, तो आपको बता दें कि ऐसा कोई नियम आज तक नहीं बना है किसी भी राज्य में या केंद्र में जिसके तहत जो भी गेस्ट टीचर हों, अतिथि शिक्षक या संविदा शिक्षक, पैरा शिक्षक, तदर्थ शिक्षक, नियोजित या अन्य जिस भी नाम से जो भी चल रहा है,
ऐसा आज तक किसी स्टेट में या केंद्र में कोई नियम बनाया ही नहीं गया है कि संविदा को परमानेंट किया जाए। हाँ, समय समय पर गवर्नमेंट जो भी रहती है सत्ता में, तो वो अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ चीजें करते रहते हैं, केंद्र से अप्रूवल लेकर के या जैसे भी। तो वो जब जिस समय जिस विभाग में जो चीज हो रहा होगा वो भी नियम के दायरे में हो रहा होगा, तब तो वो चीजें आगे होती हैं, अदरवाइज वो भी चैलेंज हो जाते हैं और वो फिर कैंसिल हो जाते हैं। उदाहरण में एक शिक्षा मित्र का देख सकते हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। और शिक्षा मित्र के पीछे तो वो मैंने पूरा केस स्टडी किया है, तो वो तो अलग चीज है। एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे दिल्ली है और हरियाणा जो बगल का स्टेट है उसमें, और हमारे यहाँ पे सेम RR जो होते हैं, एमबीबीएस जो होते हैं भर्ती के, उसके अनुसार ही भर्ती होती है एज ए गेस्ट टीचर के रूप में। तो कल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा जी के, उन्होंने जो है गेस्ट टीचर को परमानेंट करने का बिल भी लेके आए अपनी विधानसभा में, RS भी कर दिया है और LV साहब ने अप्रूवल भी दे दिया है। अच्छा, तो सेम कंडीशन हमारी भी है यहाँ पे दिल्ली में। नहीं तो वो जो बिल आया है उस बिल में उनको परमानेंट करने के लिए रूल क्या डायरेक्टली करना है या जो वैकेंसी आ रही है उन्होंने, हाँ, लेकिन हाँ उन्होंने जो परमानेंट शब्द यूज न करके उन्होंने सिर्फ एज ए पॉलिसी यानी एज ए ड्राफ्ट बनाया है, और ड्राफ्ट में कहा कि हम इनको 58 साल तक रखेंगे और ये इनकी सैलरी रहेगी, ये इनके जो है वर्क रहेगी। हाँ, तो उसको आप जब समझेंगे या आगे जब आएगा तो आप देखेंगे कि संविदा को परमानेंट करने के लिए डायरेक्टली ये कोई भी बिल नहीं ला सकते। जो बिल आया होगा उसमें इस तरीके से चीजें लिखी गई होंगी कि इन फ्यूचर जो परमानेंट भर्तियां निकलेंगी उसमें जो है उम्र में छूट, अनुभव का वेटेज, इस तरह के लाभ देते हुए आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करने को कहेंगे, या हो सकता है कुछ सीटें आपके लिए 5% 10% कुछ रिजर्व कर दें, लेकिन आपको सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो प्रोसेस अन्य लोगों के लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार संविदा पर ज्वाइन किए थे केंद्रीय विद्यालय में, तो उसके पहले हम भी यही जानते थे कि अगर एक बार संविदा की नौकरी मिल जाएगी, अंदर सिस्टम में हम पहुंच जाएंगे, फिर तो धीरे धीरे कुछ समय में लोग परमानेंट हो ही जाते हैं, हम भी हो जाएंगे। मेरी भी यही सोच थी, तो हमने भी बहुत प्रयास करके केंद्रीय विद्यालय में एक सीट संविदा पर ले लिया, और फिर जब उसमें हो गए तो अब नेक्स्ट टारगेट हमारा था कि परमानेंट होने का क्या प्रोसेस है इस रास्ते से। तो जब हमने पता किया तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। हम पहले नहीं थे, हमसे पहले भी हजारों लाखों लोग आए और इस तरह का प्रयास किए, और इसके लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया इस पर कि तदर्थ शिक्षक, संविदा शिक्षक, पैरा शिक्षक, नियोजित शिक्षक, जिस भी नाम से ये टीचर हैं जो कि परमानेंट नहीं हैं, इनको परमानेंट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। उसके पीछे उन्होंने जो कारण बताया वो ये बताया कि मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में 100 संविदा शिक्षक हैं और केंद्रीय विद्यालय भर्ती निकालता है मान लीजिए 80 या 100, और अगर वो 80 या 100 सीटें खाली हैं उन्हीं को अगर भर लेगा जो लोग संविदा पर हैं, तो अब जो बाहर बैठा व्यक्ति है जो कि नॉर्मल कैंडिडेट है उसको तो उसमें मौका भी नहीं मिला आवेदन करने का, अपना टैलेंट दिखाने का, तो उसके अधिकारों का तो एक हनन हो गया। तो इस तरह के वहां पर बहस हुए थे, इसके आधार पर फाइनली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया कि कोई भी संविदा शिक्षक या संविदा पद कोई भी किसी विभाग का परमानेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, उनको तरह तरह से लाभ दिया जा सकता है, उम्र में छूट, वेटेज वगैरह, और सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, यानी कि जो भी पद खाली हो गवर्नमेंट उन पर वैकेंसी निकाले, और सबको जो भी इच्छुक हो आवेदन करने का, योग्यता रखता हो, वो सभी लोग आवेदन करें। आपके परमानेंट कर्मचारी हों या आपके संविदा कर्मचारी हों, उनको आप डायरेक्टली जो है प्रमोशन या फिर डायरेक्टली ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, आप उनको एक्स्ट्रा लाभ दे सकते हैं। यहाँ तक कि उस जजमेंट में उनको भी इंक्लूड कर दिया गया जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके, और प्रमोशन वो चाहते हैं और प्रमोशन से आप डायरेक्ट पद भर देते हैं ऊपर का, तो वो भी गलत उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि आप सबको बराबर मौका दीजिए, आपके अपने कर्मचारी हैं उनको उम्र में छूट दे दीजिए, चाहे वो परमानेंट हो या संविदा वाले।
तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बिहाफ कोई भी मैटर जब भी कोई राज्य संविदा वालों को परमानेंट करता है, तो जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और ये सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर उसमें टैग हो जाता है और फिर वो फाइनली रद्द हो जाता है। तो कोई भी राज्य डायरेक्टली संविदा शिक्षक को परमानेंट करने का ना रूल बना सकती है और न ही बनाएगी। हाँ, आपको उम्र में छूट वेटेज वगैरह दे सकती है, लेकिन आपको भी सेम प्रोसेस से जाना पड़ेगा जो एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए होता है। अगर एग्जाम है तो एग्जाम का, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, वो सारे प्रोसेस आपको कंप्लीट करने होंगे। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ और 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ था। आरटी एक्ट कहता है कि गुणवत्तापरक शिक्षक, और आरटी एक्ट यह मानता है कि सिर्फ परमानेंट शिक्षक ही गुणवत्तापरक शिक्षक में आते हैं। जो संविदा शिक्षक हैं किसी भी रूप में, वो गुणवत्तापरक शिक्षक में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। एक साल के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई चीज वहां गड़बड़ की या कुछ भी किए वो तो छोड़कर चल देंगे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। लेकिन परमानेंट टीचर की जवाबदेही बनती है, उसे डर रहता है कि उसका जो है नौकरी जा सकता है, तो वो जो है कंट्रोल में रहता है। इन सारी चीज़ों का आप पढ़िएगा 2009 का आरटी एक्ट, उसमें जिक्र किया गया है। तो इसीलिए आरटी एक्ट में कहा गया कि जितने भी संविदा के पद हैं, संविदा शिक्षक हैं, इनको जल्द से जल्द परमानेंट टीचर से भरा जाए। 2009 में ये आया था और वो काम हुआ नहीं। तो पहला तो ये था कि ट्रेंड होने चाहिए टीचर, तो उसको गवर्नमेंट पूरा करने में लग गई। तो 2017 से 2019 के दौरान एनआईएस से डिलेट कराया ताकि जो अनट्रेंड टीचर हैं वो ट्रेंड हो जाए, चाहे कहीं भी, चाहे गवर्नमेंट स्कूल की बात हो या प्राइवेट। तो वो टारगेट पूरा हो गया। अब गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कि जो संविदा की योजनाएं हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, अतिथि शिक्षक के नाम से हो, या फिर शिक्षा मित्र के नाम से हो, या अनुदेशक, या नियोजित शिक्षक, या जिस भी नाम से है, तो ये जो एक प्रथा चली आ रही है लंबे लंबे समय, 5 साल, 10 साल, 20 साल से संविदा वाली तदर्थ शिक्षक या जिस भी नाम से, तो इसको प्रथा को बंद करना है। संविदा पर टीचर रखे जाएंगे, लेकिन सिर्फ उतने समय के लिए कि जब तक नई भर्ती न हो जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहता है हर राज्य को अपने यहाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाना है और साल में 2 बार भर्ती करना है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को साल में 2 बार या कम से कम 1 बार तो हर हाल में भर्ती करना ही पड़ेगा, और सभी राज्य बना रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने राज्य का। तो ये आयोग जब बन जा रहे हैं तो फिर ये जो भर्ती कर रहे हैं उसमें अब छूट देंगे जो भी टीचर्स संविदा पर हैं। तो दिल्ली सरकार जो है बार बार कहती तो है, न्यूज में आता रहता है कि संविदा के जो शिक्षक हैं या इनको हम परमानेंट करेंगे, लेकिन कहते हैं, लेकिन वो कर कैसे पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है और ऐसा कोई रूल है नहीं। वो कर भी देंगे राजनीतिक लाभ लेने के लिए, तो उससे भी आप लोग का अहित होगा। जैसे शिक्षा मित्र समायोजन रद्द हो गया, ऐसे ही वो चाहे कोई भी किसी भी तरीके से कर भी देंगे तो भी कोई ना कोई जाकर बाद में चैलेंज अगर करता है, और होना ही है चैलेंज। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई कहीं ना कहीं से किसी को खड़ा कर देगा, भैया जाओ तुम केस डाल दो। ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट अपने से केस डालता है, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी किसी कैंडिडेट को ढूंढ करके डलवाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना सबके बस का नहीं, हम आप नहीं लड़ पाएंगे, इतना पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। तो जी क्या कह रहे हैं, एक एक का 5-5 लाख रुपए। तो हम आप कोई केस लड़ने जाएंगे, इतना पैसा नहीं है। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बीएड का गजट 2018 में केंद्र सरकार लेकर के आई। अब चूंकि बीएड को जो है बीएड के खिलाफ कांग्रेस हमेशा रही है, इतिहास रहा है इनका। तो जब 2018 में बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया गया तो कांग्रेस इसके पीछे लग गई बार बार किसी तरीके से रद्द कराने के लिए। तो राजस्थान में विवाद खड़ा किया, राजस्थान में उनकी सरकार थी तो उन्होंने वहां पर जानबूझकर विवाद खड़ा कर दिया, और वो विवाद लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट तक। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो किसी भी पैमाने पर साबित नहीं कर पाए कि ये चीज गलत है, तो फिर उन्होंने हेल्प लिया कपिल सिब्बल साहब का। और ये कपिल सिब्बल साहब वही हैं जिन्होंने आरटी एक्ट बनाया है। तो इनकी हेल्प से एक लूप होल खोजा गया उसमें कि जो गजट जारी हुआ है उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढिए कहीं से कि किसी भी तरीके से इसको जो है फंसाया जाए। तो वो फिर इसमें एक कमी ढूंढते हैं कि ये जो गजट जारी किया गया है, इस गजट को जारी करने की जो प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया में सब कुछ किया गया, लेकिन एक मीटिंग जो कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनका एक टीम बना करके एक मीटिंग होना था, एक मीटिंग नहीं हुई है, यानी एक मीटिंग कम हुई है। इसको मुद्दा बना करके सुप्रीम कोर्ट में इसके बिहाफ 2018 का बीएड वाला गजट रद्द करा दिए। तो ये जब भी कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, चाहे कोई मुद्दा हो, तो बड़ा अमाउंट लगता है, बड़ा पैसा लगता है, और ये बड़ा पैसा कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में ही काम होता है। शुरुआत में राजनीतिक पार्टी पीछे से पुश करती है, किसी को आगे बढ़ाती है थोड़ा बहुत पैसा दे करके, फिर बाद में वो खुद ही अपना संगठन बना लेते हैं और 500, 1000, 2000 रुपए ले लेकर के वो केस लड़ना शुरू कर देते हैं, और पार्टी बैक से सपोर्ट कर ही रही होती है। तो अगर दिल्ली सरकार ऐसा कुछ करती भी है तो हो सकता है आगे जा करके, जैसे शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ, आगे जा करके ये भी रद्द हो। एक आपको मैटर बताते हैं त्रिपुरा का, और ये मैटर आज से 6 या 7 साल पुराना है। वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मैटर था, उसमें जो जजमेंट आया, आप जाकर सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ढूंढेंगे, मिल जाएगा ऑर्डर, हमें मैटर याद नहीं आ रहा नहीं क्या था केस। तो उसमें जो ऑर्डर हुआ उसमें जितनी नियुक्तियाँ हुई थी सब रद्द कर दिया गया, और फिर कहा गया कि नए सिरे से सब कुछ कीजिए, और फिर नए सिरे से हुआ, और जो परमानेंट का रूल था उसके अकॉर्डिंग हुआ, और जो लोग पहले नियुक्त हुए थे वही सारे लोग फिर से नियुक्त हुए, लेकिन पूरा प्रोसेस पहले वाला रद्द करा के नए प्रोसेस से कराया गया। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला प्रोसेस था उस प्रोसेस में मिस्टेक था, नियम था, तो हुए वही लोग सिलेक्ट, लेकिन जो प्रोसेस था वो गलत था, इसलिए फिर से सारी प्रक्रिया अपनाई गई और फिर से सब कुछ। तो जितने साल वो लोग उस प्रोसेस में रहे तो आखिर उनका नुकसान हुआ कि नहीं? उतना सीनियरिटी चला गया, हुआ ना नुकसान उनका। जैसे कोई व्यक्ति 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल नौकरी कर लिया और उसका वो पूरा प्रोसेस रद्द हो जाए और फिर से नई ज्वाइनिंग, ठीक है उसको नौकरी तो मिल गई, नई ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन वो जो इतने साल नौकरी किया वो सारा तो लैप्स हो गया। तो इस तरह का कोई भी रूल नहीं है, और हरियाणा में आपने जो बताया इसको हम कोशिश करेंगे कि देखें वहां पर क्या है। और हरियाणा में मेरे जानकारी में अभी बीजेपी है, और बीजेपी सरकार ये बना तो रही है प्लानिंग कि जितने भी संविदा कर्मी हैं, संविदा शिक्षक वगैरह, इनको परमानेंट किया जाए, लेकिन वो जो भी करेंगे नियमता करेंगे तो वहां देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से क्या नियम बना रहे हैं। वहां जब बन जाएगा ऐसा या कोई राज्य बना, एक्चुअली उन्होंने प्रमाण किया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ ड्राफ्ट बनाया है। उन्होंने ये कहा कि हम इनको 60 साल तक रखेंगे, और सेम वर्ग सेम पे वाला जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको उन्होंने वहां चुपका दिया है कि हम इनको सेम पे देते रहेंगे, बस ये उसमें कहा गया है। अच्छा, तो जब सेम सैलरी की बात आ जाएगी तो बस जानते हैं उसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर जो परमानेंट टीचर होगा उसको जो ग्रेड पे के तहत जो उसका मूल वेतन होगा उसके बाद उस पर टीए डीए ये एचआरए पता नहीं क्या क्या जोड़ते हुए, मान लीजिए कि मूल वेतन है 21,000 और सब कुछ जोड़ते हुए हो जाता है 50,000, तो 50,000 तो परमानेंट वाले को मिलेगा, लेकिन जो संविदा पर रहेंगे उनको तो मिलेगा वही मूल वेतन 21,000। तो समान कार्य समान वेतन में ये कोई सोचे कि 50,000 उनको मिल रहा है हमें भी 50,000 मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उनको जो मूल वेतन होगा वही मिलता है। हाँ, क्योंकि हम भी केवी में थे तो जब हम ज्वाइन किए तो हम भी ये सब चीजें हम कहे उनको तो जब समान कार्य समान वेतन ये चीजें हैं, कोर्ट का भी ऑर्डर है, तो परमानेंट टीचर वही हमारे सामने हर महीने सैलरी उठा रहे हैं हमसे डबल या डबल से भी ज्यादा, और हम जो है उनसे कम, तो केवी तो अच्छा पेमेंट देता है, लेकिन वही है कि उन लोगों के पास इतने सारे जो है रूल रेगुलेशन है उसके तहत और जो भी चीजें जुड़ जाती हैं, इसलिए उनका वेतन बहुत अच्छा होता है, और संविदा कर्मियों को उतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, इसलिए वो रूल्स उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो जो भी कर रही है गवर्नमेंट डायरेक्ट परमानेंट तो नहीं करेगी, वो तो हम शुरू में ही कहे, अब उसके बाद वहां पर हम देखेंगे हरियाणा सरकार ने क्या किया है, डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर कभी उस पर आपसे या किसी से चर्चा होगी तो देखा जाएगा। तो आप जो अच्छा सर जी, मैं यहाँ पे 2019 में आया हूँ ज्वाइन करने, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और एनआईओ से मैंने जो है डीएलएड भी किया था 17-19 के दौरान।
हाँ 17-19 के बाद जब मेरा वो उसका रियल बीटेड था, उससे पहले ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन ले लिया, ज्वाइन कर लिया। आपने क्या कहा है नए डीलर के बाद, क्या बताया? जब हम पेपर दे लिए थे एनआई वर्स बी एल का, उसके बाद फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया जिस संविधा में। मतलब आपने पहले बीएड किया था और आप प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते हुए आपने एनआई डीलेड भी कर लिया। अच्छा, जी, एनआई डीलेड कंप्लीट हो गया था आपका? हाँ अच्छा, वो कंप्लीट फाइनल हो, एग्जाम हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। सर्टिफिकेट मिल चुका है ना आपको रिजल्ट? जी, तो रिजल्ट मिलने के बाद आप फिर वहां गए, ज्वाइन कर लिए। तो हाँ फिर मैं, अब आपके लिए बात करेंगे। तो आपका हाई स्कूल कौन सा ईयर है? 2004, 2010, चार चार चार, 4, ठीक है। और इंटरमीडिएट? 2006, 2004, 2006। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया होगा, उसका ईयर? 2010, इसके बाद आपने क्या बीएड किया या पीजी? बी एड 2012 2012 में आपने बीएड किया, फिर आप जो है प्राइवेट में कंप्लीट पढ़ाने, हो गया था। 2012 ठीक है, फिर आप जो है पढ़ाने लगे या मास्टर डिग्री किए? नहीं पढ़ाने लगा था। अच्छा, आपने अभी तक मास्टर डिग्री किया या नहीं? हाँ मास्टर डिग्री फिर मैंने उसके बाद की है, लेकिन वो जो प्राइवेट तौर पे। चलिए, तो चाहे जैसे भी किए हैं, कोई सब एलिजिबल है, सब वैलिड है। तो आपके पास बीएड की डिग्री है, आपके पास एनआईएस डीएलएड का है सर्टिफिकेट, और आपने ग्रेजुएशन और उसके बाद मास्टर डिग्री भी किया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ तो नहीं? नहीं, अच्छा, तो बीएड पर भी बात करेंगे और एनआईएस डीएलएड पर भी बात करेंगे, और आपकी मास्टर डिग्री, तीन, क्योंकि ये तीनों ही टीचिंग फील्ड में एलिजिबिलिटी रखते हैं किसी न किसी लेवल पर। तो बीएड जो है वो मेनली था टीजीटी पीजीटी के लिए, पहले इसीलिए बनाया ही गया था। लेकिन सन 2000 में एक प्रॉब्लम आ गई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि 2000 से लेकर 2010 तक प्राइमरी में बीटीसी या डीएलएड पर रोक लगा दिया गया था, ये कोर्स कराया ही नहीं जा रहा था। तो जब रोक लग गया तो एक समस्या आई कि आखिर प्राइमरी में फिर टीचर रखे कैसे जाएं। तो उस समय अटल जी की सरकार ने एक डिसीजन लिया कि जो बीएड वाले हैं इनको हम प्राइमरी का अलग से 6 महीने का ट्रेनिंग करा देंगे प्रशिक्षण चयन के नाम से, और फिर इनको हम वहां पर लेंगे। तो पहली बार उस समय बीएड को प्राइमरी में रास्ता खुला, मौका मिला। तो 2000 से 2010 के दौरान बीएड वाले लिए जा रहे थे, और ये काम अटल जी की सरकार ने, बीजेपी ने किया था। ये चीज चूंकि आप जानते हैं, राजनीतिक हम शुरू में भी कहे हैं कि मुद्दे रहते हैं, तो कांग्रेस को नहीं पसंद था। तो फिर बाद में कांग्रेस आती है, तो जब देखती है कि डीएलएड और बीटीसी सब बहाल हो चुका है, तो फिर बीएड वालों को बाहर कर देती है प्राइमरी से। तो बीएड वाले 2011 में टेट परीक्षा देते हैं पहली और आखिरी बार, इसके बाद बीएड वाले प्राइमरी का टेट या सीटेट या भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे थे। फिर बीजेपी आती है 2018 में, बीएड को मौका देती है, एलिजिबल करती है प्राइमरी में। फिर कांग्रेस मुद्दा उठाती है राजस्थान में, और 2021 में, सॉरी 2023 में ये गजट रद्द करा देती है। और फिर 2023 में जब गजट रद्द हुआ तो सिर्फ ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, इस कारण ये रद्द कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। तो एनसीटी 2023 में जब ये 11 अगस्त को रद्द हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो उसके बाद से लगातार इस पर काम कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सिर्फ डिग्री रहेगा, सारे डिप्लोमा बंद करने हैं, और डीएलएड है, डीएड है, बीटीसी है, या अन्य जितने भी कोर्सेज हैं वो सब डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है। डिग्री सिर्फ बीएड है, या 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, जो भी कोर्स चल रहे हैं इस तरह के। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बीएड रहेगा, बाकी सब बंद। 4 साल का बीएड होगा, 2 साल का बीएड होगा, 1 साल का बीएड होगा। 2 साल वाला बीएड ऑलरेडी चल रहा है, 4 साल का जो बीएड चल रहा था उसका नाम बदल दिया गया है, आईटीपी कर दिया गया है। तो ये 2 साल, 4 साल और 1 साल का आने वाला है। आने वाले मुश्किल से ज़्यादा 25 या 50 दिन की बात कर लें, 1 या 2 महीने की। 1-2 महीने में एनसीटी का नया गजट आना है, वो नया गजट आ जाएगा। इसके बाद बीएड प्री प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आप चले जाइएगा यूट्यूब पर, और जो एनसीटी के इस समय अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी, उनका एक इंटरव्यू है वहाँ पर, और ये इंटरव्यू अक्टूबर में हुआ था।
अक्टूबर के स्टार्टिंग में। उस इंटरव्यू को आप ध्यान से सुनेंगे तो बीच में आप पाएंगे उन्होंने स्पष्ट ये बात बोला है कि आने वाले 1-2 महीने में ये बीएड को लेकर के 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय हम गजट लेकर आने जा रहे हैं और ये प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक वैलिड रहेगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट बोला है। और अगर आप वो वीडियो न खोज पाइए तो चले जाइएगा एनसीटी के ट्विटर पर, जो कि अब एक्स के नाम से है, तो वहां पर आपको बीएड 2 साल, 1 साल और 4 साल के लिए जब जब एनसीटी जो जो काम कर रही थी उससे संबंधित कोई मीटिंग हो रहा था, कोई और काम हो रहा था, तो वो सारे फोटो के साथ अपडेट्स वो दे रहे थे, उस पर पड़ा हुआ है सब कुछ। तो बीएड प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड होने जा रहा है, तो आप बीएड के बिहाफ किसी भी लेवल पर टीचिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे और बने रहेंगे। नहीं सर, आपसे जो मैं मैसेज देखा ना उसमें ये भी था कि एनआईई डीएलएड वालों को जो है बीएलओ प्री प्राइमरी में जो है अवॉइड अभी बता करने अभी तो वाले अभी हैं। अभी तो हम बीएड का बात किए ना, अभी बीएड का कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अभी बीएड की बात कंप्लीट कर लें, फिर आते हैं नेट डीलेट पर, फिर आएंगे मास्टर डिग्री पर आपके। तो एक तो ये हमने बीएड के बारे में बताया, दूसरा ये कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके तहत केंद्र सरकार एक योजना चला रही है, हर कक्षा के लिए अलग कमरा। जो राज्यों में स्कूल हैं उनमें कंडीशन ऐसी है कि बच्चे जो है अलग अलग कमरे में बैठ नहीं पाते हैं, कमरे हैं ही नहीं। तो इसके लिए केंद्र सरकार बजट देना शुरू की राज्यों को, और उनको बजट दे करके कहा गया कि भैया अपने यहाँ सभी स्कूलों में कमरे तैयार कराइए। और ये योजनाएं वहां लागू हो रही हैं जहां जहां राज्य में बीजेपी है। आप जब भाषण सुनेंगे अमित शाह जी का या मोदी जी का या किसी का, उन्होंने ये बार बार मंच से बोला है बीजेपी शासित राज्यों में। न्यूज भी अखबार में आता है तो उसमें साफ लिखा होता है बीजेपी शासित राज्यों में। तो मेनली हरियाणा हो गया, इसमें राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, आसाम है, उत्तराखंड है, ये सब राज्य, एमपी है, ये सब राज्य जो है बीजेपी शासित हैं। तो इन राज्यों में आप जब देखेंगे तो ये काम हो रहे हैं। यूपी के अंदर कमरे बना लिए गए पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले जो है बिहार सरकार ने घोषणा किया है कमरे बनाने का, वो अखबार में न्यूज आया था, हमने शेयर किया है, हफ्ता 10 दिन हुआ। तो अभी तक कमरे नहीं थे तो राज्यों को पैसा देकर के कमरे तैयार कराए जा रहे हैं। कुछ राज्य तैयार कर चुके, कुछ राज्य अब करने जा रहे हैं। तो जो राज्य कमरे तैयार कर चुके, अब वहां पर केंद्र की जो दूसरी योजना है वो लागू होने जा रही है, और वो है हर कक्षा में शिक्षक योजना। जब अलग अलग कमरे हो जाएंगे, बच्चे अलग अलग कमरों में बैठेंगे, तो टीचर भी वहां होना चाहिए। अब विद्यालय में 5 कक्षाएं चल रही हैं और वहां 2 या 3 टीचर या 1 टीचर हैं, तो फिर मजबूरी है, कमरे होने के बावजूद भी बच्चों को एक साथ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां टीचर नहीं रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। तो अब इसकी तरफ बढ़ रही है गवर्नमेंट, तो इसमें केंद्र सरकार अभी घोषणा करेगी या राज्य सरकार खुद से आगे बढ़ेगी, केंद्र से जब बजट मिल जाएगा, तो एक नई योजना के वर्षवार नियुक्ति होना है। इसके तहत जो टेट पास कैंडिडेट हैं, पुरानी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग पा गए हैं, लेकिन उन्हीं के साथ वाले कुछ लोग अभी भी ज्वाइनिंग नहीं पाए हैं, कोर्ट कचहरी वगैरह कर रहे हैं, विवादित हैं मुद्दे बहुत सारे। तो सारे विवाद को खत्म करना और पुराने लोगों को नियुक्ति देना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने जो टेट या फिर सीटेट परीक्षा हुआ है उसका 7 साल या 5 साल था वैलिडिटी, उसको उन्होंने लाइफ टाइम कर दिया, आजीवन कर दिया 2021 में, ताकि जब ये योजना शुरू हो तो कहीं विवाद ना हो, कोई समस्या ना आए। तो आपने पहली बार प्राइमरी का टेट कब पास किया? हेलो, मैंने एक्चुअली, हाँ वही बता रहा हूँ, जब ये 2018 वाला जो आ गया था उसके बाद भी मेरा प्राइमरी टेट पास है। और जब मैं 2012 के बाद जब मैंने किया था तो 2012 का 2013 में, 13, हाँ 2013 जुलाई में वो भी मेरा पास है टेट तो 2013 में जो आपने में। पास किया होगा वो प्राइमरी का नहीं होगा, क्योंकि उस नहीं वक्त साथ में मैंने बार दिया था सीटेट को। जो सी टेट या राज्य का टेट है वो बीएड वालों के लिए 2011 में मौका मिला था, और 2011 के बाद अगर कोई पास किया है 2018 के बीच में तो वो इनवैलिड है, क्योंकि जब बीएड को मौका दिया जा रहा था वो 2011 में,
और फिर उसके बाद 2018 में दिया गया है। उसके बीच में अगर किसी ने फॉर्म भरा होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपका जो 2018 या उसके बाद वाला है, तो जब वसवा नियुक्ति होगी अलग अलग राज्यों में सीटों के आधार पर होगी, तो आपका मूल निवास किस स्टेट का है, फिरोजाबाद कहाँ? फिरोजाबाद यूपी से हैं। तो यूपी से हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूपी में अभी करेंट में 1,87,000 प्राइमरी विद्यालय हैं, और यहाँ पर जो 69,000 भर्ती हुई है उसके बाद भी जो आंकड़े आए थे, तो 2 लाख से कम टीचर इस समय कार्यरत हैं, और रिटायर तो हर साल हो रहे हैं, नई भर्ती इधर हुई नहीं 69,000 के बाद। और संविदा सारे समाप्त करने हैं, शिक्षा मित्र वगैरह ये सब खत्म करना है। तो यूपी के अंदर राज्य सरकार जल्द ही शुरू करने जा रही है वर्षवार नियुक्ति, और हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत लगभग लगभग टोटल जो पद बन रहे हैं, अभी राज्य सरकार केंद्र सरकार से अप्रूवल लेगी, नया मानक लागू करेगी, पुराना जो मानक चल रहा है उसको चेंज करेगी, तो करीब करीब 10 लाख पद होंगे प्राइमरी में। और परमानेंट टीचर वर्तमान में 2 लाख के अंदर बताए जा रहे थे पिछले 4-5 साल पहले। इधर 4-5 साल में लगभग हर साल 10,000 टीचर रिटायर हो रहे हैं, 10 से 15 हजार। तो इस वक्त परमानेंट टीचर यूपी में अगर बात करें तो 1-1.5 लाख के आसपास हैं। तो यूपी में 8-9 लाख पद जो है वो रिक्त तो होंगे, और ये सारे पद भरे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वर्षवार नियुक्ति होगी। पहले चरण में अखबार में जो न्यूज आया था उसमें कहा गया था कि 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में पहले चरण में पद भरे जाएंगे। तो इसमें 2011 से 2018 तक वाले आ जा रहे हैं पहले चरण में, इतनी संख्या 2018 तक हो रही है। इसके आगे के चरण में जब बढ़ेंगे तो फिर आगे के जो टेट पास कैंडिडेट होंगे उनको मौका मिलेगा। तो ये केंद्र की जो योजना है उसके तहत, और बाकी 69,000 जैसे भर्ती आई थी वैसे वैकेंसी राज्य सरकार जो अपने पास कुछ अधिकार है उसके तहत निकालती रहेगी। तो आप जो है इस पर भी नजर रखिएगा, वर्षवार नियुक्ति पर। ये बीएड वाला हो गया, तो बीएड के तहत आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि वर्षवार नियुक्ति जो हम बता रहे हैं ये योजना जब स्टार्ट होगी तो इसमें मौका मिल सकता है, दूसरा जैसे 69,000 भर्ती आई थी ऐसे भर्ती आएगी, आप उसमें आवेदन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनआईएस डीलेड। ये एनआईएस डीलेड मेनली कराया गया था कि जो अनट्रेंड टीचर हैं वो ट्रेंड हो जाएं। तो आप तो ऑलरेडी बीएड किए हुए थे, कोई जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने कर लिया, कोई बात नहीं। तो आप जो है इसको कर लिए हैं, और केंद्र सरकार की योजना है आंगनबाड़ी को बाल वाटिका बनाना, और ये बनाए जा रहे हैं यूपी में, तो काफी तेजी से चल रहा है, और केंद्रीय विद्यालय में भी स्टार्ट हो गया है 50 केंद्रीय विद्यालय में। तो वहां पर भी अभी एनसीटी को रूल बनाना है कि वहां पर किन को लेगी एनसीटी, किसको किसको एलिजिबल करेगी। तो हमारी जो जानकारी में है उसमें कि एनआईएस डीलेड को भी एलिजिबल करने का प्राविधान है, इस पर काम चल रहा है, एनसीटी इस पर काम कर रही है, और जितने भी एनआईएस डीलेड हैं उनको प्री प्राइम टीचर के लिए एलिजिबल करके वहां पर लिया जाएगा। तो आप प्री प्राइमरी पर भी जो है नजर रखिएगा, वहां पर भी मौका मिलेगा, वहां पर भी भर्ती आएगी, बहुत बड़ी भर्ती आएगी, क्योंकि प्री प्राइमरी तो अभी नया नया स्टार्ट हो रहा, कभी भर्ती आई ही नहीं है। ठीक है। तो आप जो है बीएड भी किए हुए हैं, ऑलरेडी आप संविदा शिक्षक हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिलेगा, हो सकता है वेटेज मिल जाए, उम्र में छूट मिल जाए, या जो कुछ भी। तो यूपी में अच्छा, जैसे दिल्ली में है तो वहां भी छूट मिल जाएगी। देखिए, जो भी मेनली छूट मिलता है वो अपने स्टेट के, जिस स्टेट के आप निवासी हैं वहां को, दूसरे स्टेट में जाने पर छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये जब वैकेंसी आती है तो उसको ध्यान से पढ़ना होगा कि वो क्या क्या चीजें किसको दे रहे हैं। अच्छा जैसे यूपी के लोग हैं ओबीसी एससी एसटी आरक्षित वर्ग के, अब वो जाएंगे दूसरे किसी स्टेट में, तो आप जानते हैं कि अब स्टेट से बाहर जाने दूसरे स्टेट में, तो फिर वहां पर जो आरक्षण का प्राविधान होता है उसका लाभ नहीं मिलता है किसी को भी, यानी जनरल में फाइट करना पड़ता है। तो वो तो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेट क्या लाभ दे रहा है किसको। तो जब वैकेंसी आएगी उस समय देखिएगा फिर। ठीक है। तो आपका जो है ये संविदा वाला भी हमने क्लियर कर दिया कि परमानेंट करने का कोई रूल डायरेक्टली है नहीं। हाँ, जो अन्य चीजें हैं गवर्नमेंट तरह तरह के छूट वगैरह दे करके आपको मौके जो आ रहे होंगे उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा सा राहत दे सकती है। बीएड वाला वर्षवार नियुक्ति, और वैकेंसी जो आएगी वो,
और एनएस डीलेड प्री प्राइमरी में लिया जाएगा बाल वाटिका में, उस पर भी नज़र रखिए। बाकी आप अपना अपने तरीके से तैयारी वगैरह करते रहिए, जहाँ कहीं जो वैकेंसी आ रही है ट्राई करते रहिए, ठीक है? चलिए रखें, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम।